वन आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का एनुअल एग्जामिनेशन मार्च 2023 मैथमेटिक्स का। ठीक है, सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन ये भी इंस्ट्रक्शंस ही हैं। फिर यहाँ पे जो है एमसीक्यू सेक्शन वे में हमारे पास एमसीक्यू है और सेकंड भी हमारे पास एमसीक्यू है। इसमें हमें पॉलिनोमियल डिग्री बतानी है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा। ठीक है, फिफ्थ में हमारे पास जो है कंप्लीट द अल्जेब्रिक आइडेंटिटी और सेवन्थ में हमें जो है ये हीरोइंस फार्मूला के बारे में बताना है, हीरोइंस फार्मूला है क्या। और मैं बस हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन योर पॉइंट। ठीक है, और इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसमें हमने एक्स और वाई की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद एस एस कॉन्गेंस रूल होल्ड फॉर कॉन्गेंस ऑफ टू डिग्री एस वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल, ये हमने देखना है। द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज, उसका सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइकिल क्वाड्रिलेटर इज। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। उसका हमारे पास 14 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एसोसिएशन और रीजन वाला है। 17 भी 15 भी हमारे पास वही है। 16 हमारे पास है कि मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड ऑब्जर्वेशन विद द फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ठीक है, रैशनलाइजेशन विद द डिनोमीटर, उसके बाद रिप्रेजेंट द अंडर रूट टू ऑन द नंबर लाइन। फिर हमने ये पी अपॉन क्यू और पी की वैल्यू जो है क्यू की वैल्यू जो है जीरो नहीं है। उसके बाद हमने जो है मल्टीप्लाई विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली हमने इसको करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, उसका पैरीमीटर जो है वो 42 सेंटीमीटर है। तो उसका अगर इन दोनों में से हमने एक क्वेश्चन करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो उसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें मतलब कि हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके हमारे पास वैल्यूज दी हुई है। अब 22 हमारे पास जो है ए और बी की हमने जो है वो प्रूफ करना है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, उसका वैल्यू हमने निकालनी है पी एक्स की, फिर फैक्टराइजेशन करनी है हमने इसकी, फिर हमने एक कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी जिसकी बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है और डेल्टा बी जो है वो एंगल बी जो है वो 45 डिग्री है और ए बी माइनस ए सी जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने 6 रैशनल नंबर निकाले हैं 3 और 4 के बीच में, और फाइंड इन दोनों में से हमने एक क्वेश्चन करना है फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर। पहले हमने रैशनल नंबर निकालने हैं, फिर हमने इरैशनल नंबर निकालने हैं। पहले वाले हमने 3 और 4 में निकालने हैं, और जो दूसरे वाले हमने 5/7 और 9/11 में निकालने हैं। डिटरमाइन x+1 और फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x4+x3+x2+x+1, और यहाँ पर हमने जो है वो 27 जो क्वेश्चन है वो हमने उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके बाद हमारे पास 28 क्वेश्चन जो है वो हमने जो है ग्राफ वाला करना है, मतलब कि ये बताना है हमने प्रूफ करना है इसमें से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फार्मर हैविंग अ फील्ड इन द फ्रंट ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस एंड ज्वाइन इट टू, तो हमने इस क्वेश्चनों के जो है वो आंसर देनी है। ठीक है, अब मैरी, अब 13 क्वेश्चन हमारे पास है, मैरी वांट टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री, शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ क्वाड्रिल वुडन बॉक्स कवर विद अ कलर पेपर, शी मस्ट नो द एक्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू ब्यू फॉर दिस पर्पज, इफ़ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज 18 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो हमने इसका सर्फेस एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्फेस शीट निकालना है, और हाउ मैनी दिस स्क्वायर शीट आर रिक्वायर टू कवर दिस बॉक्स। उसके बाद हमारे पास जो 31 क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि हमने जो है इसका इसमें हमने इंफॉर्मेशन देनी है, एक हिस्टोग्राफ बनाना है, हाउ मैनी लैम्प जो है इसमें लाइफ टाइम के लिए ऑफ मोर देन 700 आवर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद 32 क्वेश्चन जो है वो उसमें हमारे पास 50 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर है, 3.5 मीटर जो है इसकी हाइट है, और फाइंड करना हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालना है जिसकी हाइट जो 9 सेंटीमीटर है और 48.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका हमें डायमीटर निकालना है। उसके बाद हमारे पास 23 है जिसमें हमने जो है वो शो करना है, प्रूफ करना है, जिसमें पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू जो है वो आर एस आर के बराबर है, एस आर जो है वो पैरेलल ए सी के। ठीक है, ये हमने निकालना है। उसके बाद इन दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हो, उसको हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फिर ये 35 क्वेश्चन फिर से वही है जिसमें हमने जो है वो शो करना है। ठीक है,
ये मीन्स कि ये ए पी सी क्यू जो पैरेलोग्राम है, ए पी जो ए क्यू जो है वो सी पी के बराबर है, और ए पी जो है वो सी क्यू के बराबर है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।